हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं डीटीएच सेटअप बॉक्स पर आने वाली एक प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके पास फ्री वाले डीटीएच का किसी भी कंपनी का फुल एचडी सेटअप बॉक्स है, जिसे कि एमपेग 4 सेटअप बॉक्स भी कहते हैं, जिस पर यूएसबी वगैरह लग जाता है, या दोस्तों डीडी फ्री डिश का फुल एचडी सेटअप बॉक्स है, इस पर एक प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोग्राम नॉट एग्जिट। आप दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप अपने रिमोट से, डीटीएच के रिमोट से, या फिर आप सेटअप बॉक्स से, ये जो चैनल का बटन है, अगर दोस्तों आप प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी चैनल देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप इस पर जो बैलून का बटन है, इसे दोस्तों आप प्रेस करेंगे, यह भी आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। खाली आपके सेटअप बॉक्स से या फिर आपके रिमोट से ये जो मेनू वाला बटन है, ये दोस्तों आपका काम करेगा इस प्रकार से। अगर आपको इस प्रकार से प्रोग्राम में नॉट एग्जिट का जो प्रॉब्लम है देखने को मिलता है, तो आप दोस्तों इसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है किस कारण से आता है, आज मैं बात करूंगा और आप दोस्तों इसे किस प्रकार से ठीक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप इसका मेनू का बटन प्रेस करके, इस पर दोस्तों एक आपको फंक्शन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं चैनल एडिट में यहाँ टीवी चैनल, रेडियो चैनल और नीचे डिलीट ऑल लिखा हुआ है। आप दोस्तों यहाँ जाकर और डिलीट ऑल में आप ओके का बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे कि आपके डीटीएच के जितने भी चैनल हैं वो दोस्तों आपके डिलीट हो जाते हैं। इस कारण से आपको इस पर, इस प्रकार से आपको टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम नॉट एग्जिट का जो एरर है, आपको दोस्तों देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ्री वाले एचडी सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करना होगा। तो आप दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन किस प्रकार से करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो मेन्यू वाला बटन है, आपको रिमोट से आपको दोस्तों इसे प्रेस करना है। आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको सबसे ऊपर इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, मतलब कि आपको मेन्यू का बटन प्रेस करके और ये जो बैलून वाला बटन है, आपको दोस्तों प्रेस करके इस प्रकार से इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है। तो आपको दोस्तों मेनू वाला बटन दबाने के बाद ये जो वॉल्यूम का प्लस या कि जो माइनस वाला बटन है, आपको प्रेस करके इस प्रकार से जो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है, आपको सबसे पहले ढूंढ लेना है। तो आपको इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पर चले आना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से यह लिस्ट देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर एंटीना सेटिंग है, इसके बाद मोटर सेटिंग, इसके बाद सेटेलाइट लिस्ट, इसके बाद टीपी लिस्ट। तो आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सेटेलाइट लिस्ट पर जाना है। तो हम दोस्तों ये जो चैनल का बटन है, इसे प्रेस करके और सेटेलाइट लिस्ट में जाएंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको ये जो ओके बटन है, आपको प्रेस कर देना है। आप इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर वाला एक नंबर का सेटेलाइट है, जहाँ की नेल सेट लिखा हुआ है, आपको दोस्तों जो एक नंबर वाला सेटेलाइट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम दोस्तों इसका ओके बटन दबाकर इस प्रकार से एक नंबर वाले सेटेलाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ दोस्तों राइट का निशान लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको ऑटो स्कैन करने के लिए आपके रिमोट से यह जो ब्लू वाला, मतलब कि जो नीला वाला बटन है, आपको इसे प्रेस करना होगा। आपको दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको यह जो सबसे ऊपर इसका जो मोड है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट में रहेगा, तो आपको दोस्तों इसे चेंज करना ज़रूरी है। आपको इसे चेंज करके ब्लाइंड करना है। तो हम दोस्तों इसे सबसे पहले प्रेजेंट से, यह जो बैलून वाला बटन होता है, ओके के दाएं बाएं वाला बटन होता है, इसे दोस्तों दबाकर हम इसे प्रेजेंट से इस प्रकार से ब्लाइंड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, एफटीए ओनली जहां लिखा हुआ है, यहां दोस्तों नो है, तो आप इसे इसी बटन को दबाकर आप इसे नो से यस कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके फ्री डिश के जितने भी एफटीए चैनल हैं, फ्री वाले चैनल हैं, तो दोस्तों स्कैन हो जाएंगे और जो फालतू के स्क्रैम्बल चैनल हैं वो दोस्तों आपके स्कैन करने पर नहीं आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे सर्च में आना है इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको
अपने रिमोट से ओके बटन दबा देना है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपका ये जो सेटअप बॉक्स है जहाँ की प्रोग्रेस लिखा हुआ है ये जो लाइन चल रहा है आपको दोस्तों ये लाइन यहाँ 100% जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जितने भी चैनल हैं आपके स्कैन हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेटअप बॉक्स के जो चैनल डिलीट हो चुके थे अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्री डिस्क के जितने भी चैनल हैं हमारे स्कैन हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने रिमोट का ये जो ओके बटन है या फिर जो सेटअप बॉक्स का ओके बटन है आपको दोस्तों इसे प्रेस करके आपको इस चैनल को सेव करना है। अब दोस्तों आपको ये जो मेनू वाला बटन है आपको इसे दबाकर आपको बैक हो जाना है। आप देख सकते हैं कि आपके जो चैनल हैं वह दोस्तों आपके दोबारा से आ चुके हैं। इस प्रकार से आप इस सेटअप बॉक्स पर आने वाले प्रॉब्लम को, प्रोग्राम नॉट एग्जिट के प्रॉब्लम को आप दोस्तों घर बैठे सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये छोटा जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नमस्कार।